साधारण तो कोनोसी कर्मचारी अवसर ग्रहण करिबा परे ताकु पेंशन बा भत्ता मिलिथाय। एथिसहित बहु राज्य रे सरकार को द्वारा दिव्यांग वृद्ध किंबा विधवा मानंकु भत्ता प्रदान करा जाय। किंतु एबे मणिष मानंक भली गछ मानंकु मध्य पेंशन मिलिब। एक कथा सुनिबा परे हुए तो आपण अविश्वास करि पारंती, किंतु एहा सत अटे। तेबे ही नियम अन्य केउठारे नुहे बरं आम देश रे ही रहिछि। आउ एभली नियम प्रस्तुत करिछंती हरियाणा सरकार। तेबे ही पेंशन रो सुविधा सबु गछ लाभ करि पारिबे नाही। केवल 75 वर्षरु अधिक वयस्क वृक्षंकु एही भत्ता मिलिबो। तेबे जेउ व्यक्ति एही वृक्षगुडीकर जत्न नेउथिबे सेमानको खाताकु वार्षिक अर्थात वर्षकु थरे 2500 टंका पेंशन जिबो। भूमिहीन चाषीको आय वृद्धि सह गछ काटिबा बन्द करिबा एवं वायुर गुणवत्ता वृद्धि पई खट्टर सरकार 2021 रे एही योजना घोषणा करथिले। तेबे एही योजना एबे संपूर्ण कार्यकारी होइछि। हरियाणार जंगल परिवेश मंत्री चौधरी कानवरपाल कहिछंती जे एही वयस्क गछगुडी को जे केवल जीवन प्रदान करी वायु जोगांती ताहा नुहे, बरं अनेक पशुपक्षी को आश्रय देबा सह परिवेश को सुस्थ रखिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती। तेबे से भाबिथिले जदि वयस्क व्यक्ति को भली एही वयस्क वृक्ष को पेंशन जोगाई दिया जानता तेबे सेमानकर मध्य सुरक्षा होई परंता। आउ जहाद्वारा लोक माने गछ काटिबा बंद करिबा सह वृक्षरोपण पई उत्साहित होंते। तेबे से ही कथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जणाइबा परे से याकु ग्रहण करिबा सह कार्यकारी करथिले। हरियाणा सरकार प्राणवायु देवता स्कीम माध्यम रे 75 वर्षरु अधिक वृक्ष को दिया जाउथिबा ही पेंशन योजना को आंतर राज्य परिवेश बैठक रे अनेक राज्यर मंत्री प्रशंसा करथिले बोली वनमंत्री चौधरी कनवरपाल कहिछन्ते। वर्तमान पर्यंत 3300 रु अधिक गछ चिन्हट करा जाइथिबा बेले एही संख्या 4000 छुई पारे बोली आकलन करा जाइछि। एहा सहित जदि कोनोसी व्यक्तिक घरे 75 वर्षरु अधिक वृक्ष थाए एवं सेमाने ही पेंशन नेबाकु इच्छुक थांति तेबे सेमाने निजो जिल्लार वन विभाग कार्यालय रे जाई आवेदन करि पारिबे। यहा परे कमिटी द्वारा जांच परे सेही व्यक्तिक एही पेंशन मिलि पारिबो।